हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर बनने की चाहत रखता है, गरीब तो कोई भी बनना नहीं चाहता है। ऐसे में हर इंसान के जीवन में कई तरह के उतार और चढ़ाव आते हैं। वैसे कई ऐसे काम होते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको अमीर बना देते हैं, और कई ऐसे काम हैं जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं और वो हमें कंगाली की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं कार्यों के बारे में बताने वाले हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके। जो लोग रात के समय या गुरुवार के दिन नाखून काटते हैं या बाल बनवाते हैं, उनके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं और ये लोग जल्द ही गरीबी की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी परेशानियां भी आते हैं, और वह कितने ही अमीर क्यों ना हो, बहुत ही ज़्यादा वो गरीब हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, जो लोग शाम के समय झाड़ू लगाते हैं उनके भाग्य से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और वो गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं और घर में हमेशा तंगी की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जो गंदे हाथों से तुलसी माँ को छूते हैं, उनका गरीब होना तो तय होता है। कुछ ही दिनों में वो ऐसी बदहाली की स्थिति में पहुँच जाते हैं जिसे बखान भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में तुलसी के पेड़ को बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इसका अनादर करना माँ लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। हमारे शास्त्रों में इस बारे में वर्णित किया गया है, रात के समय किसी भी पुरुष या लड़कों को सेविंग खास तौर पर नहीं करनी चाहिए, इससे धन लाभ होते होते रह जाता है और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी तो रूठती ही है, साथ ही उनका भाग्य भी साथ नहीं देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।